नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मोदी सरकार ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को 1 अगस्त तक सरकारी बंगला खाली करने का आदेश दिया था, तो उन्होंने 30 जुलाई को ही बंगला खाली कर दिया। लेकिन बंगला खाली करते वक्त एक वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों काफी वायरल हो रही है, जिससे लग रहा है कि उन्होंने अखिलेश यादव के टोटी वाले मामले से सबक लिया था और इसलिए बड़ी चालाकी से वो सरकारी कर्मचारियों को सब कुछ दिखा कर गई कि देखिए जो कुछ भी मैंने बंगले में लगवाया था सब कुछ छोड़कर जा रही हूँ। उन्होंने कर्मचारियों से कहा कि मैं ये क्लियर करना चाहती थी कि आप लोग पूरा देख लें, मेरे जाने के बाद कहीं कुछ गड़बड़ ना हो। बिजली पानी वाला तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि प्रियंका गांधी ने कर्मचारियों को सबसे पहले बाथरूम की टोटी ही दिखाई, जिससे बाद में कोई विवाद ना हो। क्योंकि आपको ये तो याद ही होगा कि यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव जब सत्ता जाने के बाद सरकारी बंगला खाली कर रहे थे, तो उस वक्त उन पर आरोप लगे थे कि उन्होंने बंगले में तोड़फोड़ की है और यहाँ तक कि टोटी भी उखाड़ कर ले गए। इसलिए विरोधी पार्टियाँ उन्हें टोटी चोर कहने लगी और जिसके बाद अखिलेश यादव को टोटी को लेकर मीडिया वालों को सफाई देनी भी पड़ी थी। बहरहाल आपको बता दें कि प्रियंका गांधी की एसपीजी सुरक्षा हटने के बाद सरकार ने उनसे 35 लोधी स्टेट सरकारी बंगला वापस ले लिया है और अब इस बंगले को बीजेपी सांसद अनिल बलूनी को आवंटित किया गया है।